हरि ओम। मैं अजंता वीरा कुंडू मान कपूर नागपुर मान कपूर हिंदी केंद्र से बोल रही हूँ। मैं 2017 से बापू से जुड़ी हूँ। मेरे घर में बहुत बहुत मैं अपसेट थी मेरे बेटे के कारण। मेरा बेटा लास्ट ईयर था, फाइनल ईयर था BCCA का। उसको किसी वजह से वो निकल ही नहीं रहा था, वो उसको पास ही नहीं कर रहे थे। कभी एब्सेंट हो रहा था, वो दे रहा था, पूरा एग्ज़ाम दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो पास ही नहीं कर रहे थे। मैं यूनिवर्सिटी गई, सब कुछ गई, देखी वो लोग पेपर नहीं दिखा रहे, जैसे ऐसा लग रहा था बहुत सता रहे। मैं बहुत परेशान थी, बेटा भी बहुत अपसेट था, डिप्रेशन में जा रहा था। तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ। तो इसी में बबीता वीरा मेरे घर में आई, बोली चलो मैं बापू के पास आपको लेके जाती हूँ। और वो बापू के पास मुझे लेके गई। और मैं जब मानकापुर केंद्र में एंटर कर रही, तब मैं यही सोची कि बापू मैं आई तो हूँ, लेकिन मेरे को एक अनुभव ऐसे देना ताकि मेरा बेटा इस बार निकल जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वो जा रहा है और मैं भी जा रही, साथ में हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं। और घुसी अंदर, घुसी, पाठ हुआ, सब कुछ केंद्र से निकली। दूसरा शनिवार भी गई, तीसरे शनिवार को उसका रिजल्ट आया, वो पास हो गया। तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे। और मैं बापू का फिर इतना शुक्रिया कि मैंने बोली कि नहीं, मेरे को ऐसे था कि कई बार होता है कि अपन पहली बार जा रहे तो ऐसा लगता है कि कौन है, अपन पहली बार जुड़ रहे तो अपने को ऐसा अनुभव नहीं रहता, तो ऐसा लगता था कि बापू बोल रहे हैं क्या है। लेकिन वो अनुभव इतना मेरे लिए अस्मरणीय था कि क्या बताऊँ। मेरे को ऐसा लगा, मेरे बेटे को देखी, उसकी मुँह में खुशियाँ देखी, तो सहन नहीं हुआ। मैं जाके बहुत शुक्रिया की उनको। फिर मेरे मन में भी बहुत सारे जैसे क्वेश्चन रहते थे, ऐसे गिल्टी फील होता था कि शायद मैं ये की इसीलिए शायद ऐसे। तो वहाँ पे प्रवचन चलाते थे, बापू का प्रवचन होता था। बापू हर एक एक का क्वेश्चन उसमें मेरे को देते गए, तू चिंता मत कर। और मैं पूरा चीज, जैसे ऐसे लग रहा था घर में भी अभी केस चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन मैं बोल दी, बापू को लाई और अपने पिताजी जैसे मानिए और बोली कि पूरा चीज तुम पर छोड़ दे रही हूँ, तुम वही आप ही संभालोगे, हर चीज आप संभालोगे। अब मैं इतना विश्वास करने लगी हूँ कि एक दिन भी उस मैंने उठते बराबर उनका नाम, सोते बराबर उनका नाम लेती हूँ। बहुत ही मैंने क्या बोलना चाहिए, सर के ऊपर हाथ रखते हैं मेरे को। अब मैं हर समय बोलती हूँ कि उनका साथ मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। एक बाप का साया जैसे रहता है सर के ऊपर, वैसे ही रहता है। और मेरा बेटा भी, मैं ये विश्वास करता है, घर में फोटो है, ये है, सब कुछ है, हाथ जोड़ते हैं, ये करते, सब कुछ बहुत ही, मेरा घर बहुत शांत हो गया। पहले जैसे एक डिस्टर्ब था घर, एक शांत माहौल हो गया है। ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है। हरिओम, श्री राम।